हो तलरिया में गरिया रे मोरू भाई लारे रे क्या अरे ना ना भाई थे लारे हो अरे मैं तो मोरू भाई की बात अंग्री बे रे गया लारे थे तो मांग के आ गई रो आओ आओ तंगो गुणो गुणो स्वागत गुण है तो आज आप देखो काई बना रहे हैं काचरा की चटनी भाभी एकदम से अलग तरीका से राजस्थान की चटनी नहीं खाई तो कहीं खाओ तो आज इन बनाना से पहले कहीं थार सब लोग ने हर गानी से घनी घनी राम राम सा मैं आप सब लोग की प्यारी सी भारती कट राजस्थान से तो चलो बनावा इन बनाने वास्ते आपा सूखी लाल मिर्च ले आ लाल मिर्च बाजे की बाजार में आवा घरा हरी मिर्च की सूख सुक, सूख के लाल जवान बापड़ी पाया तो अब इन आपा काम में ले लिया तो इन मन गाल से आप गर्म पानी ताकि आप बीत जाए गर्म पानी में जब इन भिजावा नहीं तो अच्छे से फूल जावे और एकदम से नरम नरम हो जावे पहले देखो किसी की रब देखो किसी को की जरूरी को नहीं थी माने सुखेड़ी मिर्च ने काम मल थे बजार से भी लेके लिया चटनी बना सको या फिर अगर था आई नहीं वह तो पेड़ या मन की लाल मिर्च हुआ नहीं आप सदा काम भी उन थे इन चटनी नहीं बना सकूँ पेड़ियों की नी कहे कमेंट बॉक्स में बताया अब आप ले छह काचरा काचरा ने भी सब लोग जाने ही है अगर थे नहीं जानो तो मैं बता बताती आ खेत में बिना बीज गले भी नहीं उगने वाली चीज है फिट्टी है आप ही उगज है और खाना में को स्वाद खट्ट हुए और साइज में छोटी मोटी हर तरीका की हुआ है काचरा ने सब जगह अलग अलग नाम से जाने थे वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हो और थे कव है कमेंट बॉक्स में मैंने याद करके जरूर बताया और काचरा का सगा पले से पाँच सौ रूपये की लड़ू लसन यहाँ जद्दी स्वाद बना, बना लिया और एक बाट के लिए दही क्योंकि आज आज चटनी आप बनावा दही वाली और अब अप अपन काचरा ने छोल के नंगू पुंगू करना है तो इन नंगू पंगू करा जब तक मैं थी याद दिला दू अगर थी हमारे चैनल पर नुआ नुआ मेहमान होनी तो करना करना है है वीडियो के नीचे झांक के देखो अरे रामारी मैं धक्को कौन नहीं दूँ मैं बात बता रही हूँ जो को लाल रंग को बटनियो दिख रहे नहीं अगर ते गुस्सा मो तो एक थप्पड़ मार दो और अगर ते बहुत खुश हो तो लाड करके बस बिन लाल से काडो करना है जी बिन काडो कर सोनी एक घंटी आलसी भी प्रचार बिन आल पकड़ दिया जिस पर जी माँ अगली वीडियो कौन सी आई है देखो मैं सगला काचरन ने नंगू पुंगू कर लिया हूँ अब बारी आई है चाखना की तो ऊपर एक टोचरी काट के एक बीज चाखना वेरी इंपॉर्टेंट आई बात समझ में हर काचरा का बीज जरूर जरूर चाखना है क्यों क्योंकि कई कई काचरा का बीज नहीं खारा निकल सके अगर आपने यूं है नहीं तो दुश्मनी अठ निकाल सके तो ये सावधानी एक बीज चुप चाप चूँ चाँ कर बिना चाक लिया ताकि आपनी चीज़ नाश नहीं वह काफ़ी लोगों में मेकर कमेंट आवे कि काचरा का और कठे मिले मां काटे कौन नहीं मिले यहां से कोई कौन जाने तो टेंशन करना कि कोई बात कौन थे गूगल पर काचरा वेजिटेबल के नाम से जब लिख लिखो तो देखो ई तरीका से थाने काचरा फ्लिपकार्ट एमेजॉन और भी घनी वेबसाइट पर मिल मिलती और थे घर बैठे आने मंगा सको और देखो मन मोटा मोटा कट लियाँ अब मैं ले जा रहे और एक महीने में सगली चीज गालनी शुरू कर दूँ तो सूँ पहले मैं एक महीने गालियाँ काचरा काचरा गाद मैं क्या गालना उठा अरे पाँच सौ रुपये किला लसन जी सही तो स्वाद बन सी क्योंकि पाँच सौ रुपये लगेड़ा है अरे मैं चाक करूँ मैं अब स्वाद तो काचरा भी आ सी अब एक सागे ही आप एक बाटकी दही गाल देंगा दही थे कोई भी खाटो लेना चाहो तो खाटो ले सको थोड़ा मीठो लेना चाहो तो मिठो भी ले सको जो को खो थन चुकोला के पो ले लो अब एक महीने आप मिर्चें भी साग गाल दे स थोड़का ही करना है करना है इन चौखों से पीस लेंगा अगर ताकन घर सिला लोडा नहीं तो वह चीज़ सिला लोडा ही कर बीस को स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो अब देखो मैं इन पीस के तैयार कर लियो एक महीने में पानी बिल्कुल ही कुन गालियो क्योंकि एक महीना आपका गालियो दही जिससे वो आराम से पीसी जैसी अब आप चटनी ने छूंक लिया तो ई वास्ते एक कढ़ाई में आप तीन से चार बड़ा चम्मच सरसों को तल गालीव तेल थे कोई सो बिलेस को सरसों वाला बहुत चौखो हुआ खाने वास्ते ई वास्ते हो सके तो सरसों को तेल ही लो सरसों को तेल की खुशबू ने बहुत तेज हुए चोखी गुण को तो ई वास्ते इन चोखों से गर्म कर लिया जिन्हें धुओं उठे नहीं पी साफ से जिससे कि खुशबू मर्जी बापड़ी देखो आपने धुओं निकला लगो अब इन एकदम ही तातो को राखने है थोड़ा सा ठंडो होने दे कम कर लिया गैस ने और एक महीनगा एक चमची जीरो जीरा की जगह थे कोई भी पसंद को तड़को लगा सको या फिर सूप को लगा लो राई को लगा लो मेथी को लगा लो जब थान को थाने चोखो ला पी चीज को लगा सको और एक मैं चौथाई चमची में गा हूँ हींग जैसे को स्वाद और बढ़ जैसी अब आपा एक महान गाल दे सड़ती चटनी और बस इन रड़ाता जैसा और इन जतना ही रड़ान हुए जत ही आपन चौकी से पक्के तेल ना छोड़ देवे आज जितना ही पक्का जितना ही मैं थाने एक बात और याद दिला दी काहीं अगर थे हमारे चैनल की और भी तरह तरह की राजस्थानी रेसिपी या फिर काचरा की बनेड़ी रेसिपी देखनी चाहूँगी तो बस सिर्फ ज़्यादा हमारे चैनल पर ही मिलसी पहली कुं क्योंकि मैं काचरा को बहुत आविष्कार करूँ क्योंकि मैं काचरा से बहुत तरीका की चीज़ा बनाई हूँ तो ई वास्ते बन देखो है तो कहीं करना है काहीं का नो है हमारे चैनल के गिले गिले जानो है और धीरे से चैनल को चूद दे गेट खोल के पीटो पाटो घाल के चक्की चौकी ला कर पर रेसिपी देख लिया सीख लिया और अपनी बहन बेटा सागा याद करके जरूर जरूर शेयर कर दिया और देखो बात ही बात में एकदम से चौकी सी गुड़नी शुरू होगी है इन्ह ने बड़ा बर्तन में बनाया क्योंकि एक छिंटा नहीं बहुत ही उछड़ा है तो इस वास्ते ए बात को जरूर जरूर ध्यान रखा और देखो जी जी आ पक्षसी बियाँ बियाँ गाढ़ी होती जसी और तेल ना आ अच्छे से छोड़ देसी देखो एकदम से तेल ना छोड़ दियो नहीं तेल थे ज़्यादा भी घाल सको और ई चटनी ने थे काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सको हाँ एक माइंड पानी बिल्कुल भी को निकालना है अब आप गाँगा एक चमची लूण लूण बोले तो नमक, लून थे तारे स्वाद के हिसाब कम बेसी घाल सको और इन थे पहले भी पीसती टाइम भी मिक्स जार में साग भी घाल सको इन चोखो सौ आप लियो और रड़ाया बाद में एकदम से बन के तैयार उगिए तो लो जी आपने देसी राजस्थानी दही वाली काचरा की चटनी बन के तैयार हो गई है जो कि बनाने एकदम सहरू सो इन्हें जरूर जरूर बनाया और किसी के लगे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताया तो चलो मार जान को टाइम हो गयो तो एक बार पाचों में तार सब लोगों ने बाहर कानी से घी घनी राम राम सा और दिल से धन्यवाद क्योंकि थे थारो कीमती टाइम निकाल के महंगे वीडियो देखी ई वास्ते